हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक कुमार गुप्ता। मेरे पाइथन सीरीज के सातवें लेक्चर डिसीजन मेकिंग इन पाइथन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा सब टॉपिक्स है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, यूजिंग इफ स्टेटमेंट इन लिस्ट एंड टेस्ट योर स्किल्स। टेस्ट योर स्किल में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा हमारे स्क्रीन के ऊपर और उसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपने पाइथन कोड को रन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ रिपल डॉट आई टी। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला टॉपिक है इफ स्टेटमेंट। इफ द बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड द इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो अगर हमारा कुछ भी एक्सप्रेशन है अगर वो सही हो तो हमारा जो कोड होता है वो रन करता है। मैं अगर आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊँ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक्स डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल, उसमें मैं वैल्यू दे रहा हूँ 25, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ। अब इफ़ कंडीशन में अगर हम लिखते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 10, देन प्रिंट नंबर इज सॉरी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 10। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे हम एक पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए एक्स इक्वल्स टू 25 और यहाँ पे मेरा एक कंडीशन है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या ये हमारा केस सही है, ट्रू है, क्या हमारा एक्स 25 से बड़ा है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये कंडीशन हमारा ट्रू है, एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रिंट लिख सकते हैं। और इसमें एक और चीज़, इसमें इंडेंटेशन बहुत ज़रूरत होता है। अगर आप इंडेंटेशन अगर आप गलत किए आपका पाइथन कोड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडेंटेशन कैसे देते हैं, बस एक टैब प्रेस कीजिए वो हमारा एक इंडेंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अगर इंडेंट दिया हुआ जो मेरा प्रिंट है ये हमारा इफ केस के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बिना इंडेंट के जो प्रिंट है ये हमारा इफ के बाहर है, यानी कि ये इफ कंडीशन के अंदर नहीं आता। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं ग्रेटर देन 10 और ये मेरा अगला लाइन का इंड। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, केस को उल्टा कर देते हैं। इफ एक्स इज लेस देन 10, तो अब हमारा क्या केस ट्रू है, जी नहीं, हमारा एक्स जो है 25 जो है वो 10 से छोटा है, नहीं है, छोटा नहीं है। तो क्या होगा, हमारा एंड, सिर्फ एंड प्रिंट इसलिए हुआ क्योंकि हमारा कोड जो है ये तो फॉल्स हो गया, तो ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसमें ये ग्रेटर देन 10 प्रिंट नहीं हुआ। तो ये तो चूंकि ये जो प्रिंट एंड है ये हमारा इफ के केस के अंदर नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एंड एंड प्रिंट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ द कंडीशन इज ट्रू बॉडी ऑफ इफ is executed and if the condition is fault body of else is executed। तो इसमें क्या है कि अभी तो हमारा जब true हुआ condition तब हमारा कुछ output हुआ, ठीक है। हम इसको चलिए वापस greater than 10 ही कर देते हैं। अब हमारा output क्या हो रहा है, greater than 10 end। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर ये 10 से अगर छोटा हो तो हमारा आउटपुट कुछ और होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर ये मेरा एल्स कंडीशन, एल्स में हमारा कोई कंडीशन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम डालें ना एक्स ग्रेटर देन 10, एल्स में हमारा कुछ भी नहीं होगा, ये ब्लैंक होगा। तो जब भी अगर ये मेरा फॉल्स हुआ तो हमारा जो कंडीशन है वो एल्स का काम करेगा। तो यानी जो हमारा जो एल्स में जो कोड लिखा है ये काम करेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ये कोड काम करेगा, अगर हमारा नीचे अगर ये फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स का जो कोड है वो काम करेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो चूंकि अभी हमारा ये जो एक्स है वो 25 से 10 से बड़ा है तो इसलिए हमारा ग्रेटर देन 10 काम ये प्रिंट हुआ। तो चलिए अब हम इसको एक काम करते हैं, इसको 10 से नीचे रख के देखते हैं जो कि ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो x इक्वल्स टू 3 करते हैं। तो आप देख सकते हैं
इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, अब तो हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि हमारा जो एक्स है वो 10 से बड़ा नहीं है, वो 10 से छोटा है, तो हमारा क्या होगा एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा तो क्या होगा लेसर देन 10 प्रिंट होगा, उसका देख इंड प्रिंट होगा। तो चलिए देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट लेसर देन 10 और इंड। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर यही मैं इसको एक इंडेंट दे दूं तो ये हमारा एल्स का पार्ट होगा, तो यानी जब भी अगर हमारा इफ स्टेटमेंट रन होगा या फिर ट्रू होगा तो हमारा ये आउटपुट होगा लेकिन इंड आउटपुट नहीं होगा। लेकिन अगर ये एल्स में अगर अभी जा रहा है तो हमारा लेसर देन 10 और इंड के साथ प्रिंट होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये इंडेंट अगर दे दिए तो मतलब ये एल्स का पार्ट है। अगर हम इसको वापस इंडेंट हटा दें तो ये एल्स का पार्ट नहीं है, ये कंप्लीट बॉडी का पार्ट है। ठीक है, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, तो मैं चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट किस काम के लिए आता है? तो अगर आपको कंडीशन एक नहीं दो डालना है तब हम लोग इफ एलिफ एलिफ यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो अभी हमारा है एक्स इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, लेकिन हम चाहते कि नहीं और भी कुछ कंडीशन साथ में हो, तो एक एलिफ लगाते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम कंडीशन क्या डालते हैं, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। और ये एल्स में क्या लिख देते हैं, नंबर इज नेगेटिव। एक और चीज यहां मैं इक्वल टू देना भूल गया, सॉरी। तो अब हमारा क्या होगा, अगर हमारा एक्स 10 से ज्यादा होगा तो हमारा बस आउटपुट यहाँ पे रुक जाएगा, उसके बाद हमारा इंड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा कोई भी जो एक्स जो वेरिएबल है अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो हमारा इसमें इंटर करेगा बस, और उसके बाद ये हमारा जो बाहर का जो कोड है इंड इसमें जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ, अगर ये फॉल्स हुआ तो उसके बाद ये कंडीशन पे जाएगा, फिर इसको चेक करेगा क्या ये सही है। तो इसको चेक करेगा कि भाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या एक्स जो है वो 0 से बड़ा है तो हमारा क्या आउटपुट हो जाएगा, नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन अगर ये इसको भी अगर ये फॉल्स हो गया, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तब हमारा एल्स का कोड प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, हम पहले एक काम करते हैं एक्स इक्वल टू 30 रखते हैं। तो चलिए अब इसको रन करते हैं, आप आउटपुट देख सकते हैं ग्रेटर देन 10 और इंड। क्यों? क्योंकि हमारा एक्स जो है ये जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू हो रहा है, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन 10 तो 30 हमारा है एक्स, तो चूंकि ये बड़ा है तो हमारा पहला स्टेटमेंट ही प्रिंट हो जा रहा है, ये कंडीशन ट्रू है। और ये फिर अंतिम में जाके जो कि बिना इफ, जो कि इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट के बाहर है, जो हमारा ये लाइन है प्रिंट इंड, तो ये इंड इसीलिए प्रिंट हो रहा है। अब इसको हम करते हैं 3, तो अगर आप देखें क्या ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा, क्या हमारा एक्स 10 से बड़ा है अभी, नहीं एक्स इक्वल्स टू 3 है, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। चलिए अब इस अगर ये फॉल्स हुआ तब फिर कोड हमारा इस लाइन पे जाएगा, तो क्या हमारा एक्स 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा या इक्वल टू, तो जी हाँ बिल्कुल, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, नंबर इज पॉजिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव। तो चलिए अब इसको एक काम करते हैं, हम लोग एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 करते हैं। तो अब देखते हैं क्या एक्स पहला वाले कंडीशन में क्या एक्स 10 से बड़ा है, नहीं फॉल्स है ये। क्या एक्स 0 से बड़ा है, नहीं फॉल्स है। तो जब ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया तब क्या होगा, हमारा एल्स में चल जाएगा, अब जो भी हो अब एल्स में ही जाएगा, एल्स में हमको कोई कंडीशन नहीं लिखना है, तो एल्स में जाएगा तो क्या होगा, नंबर इज नेगेटिव प्रिंट होगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हमारा एल्स का एल्स में जो कोड है वो रन होगा। तो चलिए अब इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर इज नेगेटिव एंड। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे देखते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, किसी कंडीशन के अंदर कंडीशन,
जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा एक इफ़ लगा है, लेकिन हम चाहते कि नहीं भाई इसके कंडीशन के अंदर कंडीशन, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ, मैं इसको, अब क्या है कि देखिए इफ़ मेरा कंडीशन यहाँ से शुरू है, उसके बाद एक इंडेंट दे के मैं फिर से इफ़ लिख रहा हूँ, मतलब ये इफ़ जो दूसरा जा रहा है ये पहले वाले इफ़ के अंदर है, तो ये हमारा नेस्टेड इफ़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अगर हम इफ़ एक्स इज लेस देन 100 प्रिंट लेसर देन 100, और यहाँ पे इंडेंटेशन देना ना भूलिएगा क्योंकि हमारा जो ये कोड है वो अभी इस इफ़ के अंदर है, देना चाह रहे हैं, तो इसलिए एक इंडेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक else डाल देते हैं, else print greater than 100, और चलिए अब इसको हटा देते हैं। तो अब हमारा क्या हो रहा है, अगर देखा जाए, अब अगर हमारा x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देते हैं 30, ठीक है, तो हमारा पहला ये कंडीशन चेक होगा इफ x इज ग्रेटर देन 10, क्या हमारा x 10 से बड़ा है, तो जी हाँ बिल्कुल ये बड़ा है, तो क्या होगा हमारा इफ़ के अंदर ये जाएगा, तो इफ़ के जब अंदर का ये सब इफ़ के अंदर का कोड है, क्योंकि ये सब एक इंडेंटेशन में दिया हो, अगर यहाँ पे अगर हम इसको इंडेंटेशन लेफ्ट देते हैं तो ये एक अलग इफ़ बन जाता, लेकिन चूंकि ये एक इंडेंटेशन के साथ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले वाले इफ़ के अंदर है। तो ये क्या हुआ इफ़, अब हमारा इसके अंदर क्या है, If x is less than 100, तो क्या हमारा x less than 100 है, तो जी हाँ बिल्कुल ये less than 100 है, तो हमारा क्या होगा ये lesser than 100 आउटपुट होगा। तो चलिए रन करके देखते हैं, तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं lesser than 100। इसको एक और चीज इक्वल टू दे दें ताकि lesser than और इक्वल टू दोनों हो, तो अगर यहाँ पे अगर हम इसको 300 कर दें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जाएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे चेक करेगा तो क्या एक्स जो है वो हमारा 10 से बड़ा है, तो जी हाँ 300 10 से बड़ा है। फिर उसके बाद इसके अंदर एक और इफ है, तो क्या हमारा एक्स जो है वो 100 से छोटा है, तो जी नहीं, ये केस हमारा फॉल्स होता है, तो ये जब केस हमारा फॉल्स होगा तो क्या होगा ये एल्स में चला जाएगा, तो else में चला जाएगा तो क्या होगा ग्रेटर देन 100 प्रिंट होगा। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं ग्रेटर देन 100। और एक और काम करते हैं, अब अगर हम x को 3 ले लेते हैं तो क्या ये हमारा केस सही है x इज ग्रेटर देन 10, तो जी नहीं, x चूंकि मेरा 3 है तो ये 10 से ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा ये हमारा सीधा else में आ जाएगा, ये if के अंदर घुसेगा ही नहीं, जहाँ अगर ये केस फॉल्स हुआ तो इसके अंदर ये नहीं जाएगा, तो ये सीधा एल्स में आ जाएगा, एल्स में आएगा तो क्या होगा नंबर इज लेस देन 10 लिख देते हैं इसको, लेसर देन 10, तो अब क्या होगा चूंकि हमारा एल्स में आएगा, तो एल्स में आएगा तो हमारा क्या होगा लेसर देन 10 प्रिंट होगा। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट लेसर देन 10। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, Using if statement in list, तो शायद अगर आपको मैं बता दूँ list कैसे बनाते हैं, जिस तरह python में array होता है, मैं इस list का एक छोटा सा example देना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक list के ऊपर एक अलग ही topic आएगा इसमें हमारे video में, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर list कैसे बनाते हैं, जिस तरह अगर आप C में array बनाते हैं उसी तरह, लेकिन बस हल्का सा अलग है, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं 10 30 65 42 90, तो ये हमारा एक लिस्ट क्रिएट हो गया, तो ये लिस्ट जो क्रिएट हुआ,
तो ये क्या हो गया, इसमें हमारा पांच एलिमेंट है, तो क्या क्या, तो 10 है, 30 है, 65 है, 42 है, 90 है। तो जिस तरह एरे हमारा सी में होता था उसी तरह पाइथन में हमारा लिस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर इटरेट करना है तो हम लोग इटरेटर के लिए हम लोग एक चीज़ करेंगे, चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, इफ़ 20 इन एक्स प्रिंट यस एग्जिस्ट, यस एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ओरिजिनली मेरा एक लिस्ट है जिसमें कि पांच वैल्यू है। ये लिस्ट को एज अ बकेट समझिए, एक बकेट है जिसमें कि हम एक पांच नंबर डाले हुए हैं, ये 10 है, 10 है, 30 है, 65 है, 42 है, 90 है। तो हमारा एक बकेट की तरह, यानी एक हमारा लिस्ट है एक्स है, वो एक्स में हमारा पांच वैल्यू किया हुआ है उसका, और वो क्या है, 10 है, 30 है, 65 है, 42 है, 90 है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारा कोई वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये पहले हमारा ये चेक करेगा, इफ़ 20 इन एक्स, मतलब ये एक तरह से यही है, क्या ये 20 जो है वैल्यू, 20 जो वैल्यू है, क्या ये एक्स में एग्जिस्ट करता है। तो आप देख सकते हैं ये 20 हमारे यहाँ ये लिस्ट में नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा नो प्रिंट होगा। तो चलिए रन करते हैं, आप आउटपुट देख सकते हैं नो। उसी तरह यहाँ पे अब हम चेंज करते हैं, इसको अब हम 30 कर देते हैं। तो इफ़ 30 इन एक्स, क्या हमारा 30 एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो जी हाँ 30 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, यस एग्जिस्ट। तो चलिए इसको रन करते हैं, यस एग्जिस्ट। तो उम्मीद है आपको इफ़ कंडीशन सारा समझ में आ गया होगा, डिसीजन मेकिंग पूरा। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, खुद से करें अपने कंप्यूटर पे, और इसका जो आंसर है आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।